गुड मॉर्निंग। तो प्रश्नावली अपनी 9 चालू हो गई आज से। आज से 9 प्रश्नावली को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस तरीका से ये प्रश्नावली जो है, इसमें निर्देशांक ज्यामिति में हमें कुछ नियम और परिभाषा सूत्र वगैरह स्टार्टिंग में ले लेते हैं। तो सबसे पहले उनको फॉर्मूला और सूत्र नियम जो दे रखे हैं उन पर विशेष कर ध्यान देना है। अगर वो समझ में आ गए तो जो समझो प्रश्नावली बिल्कुल समझ में आती चली जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसके सूत्र ले लेते हैं। तो नंबर एक जो सूत्र चलता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र एवं नियम, सूत्र एवं नियमों का ज्ञान। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। सबसे पहले सूत्र एवं नियम। तो इसमें सब नंबर एक जो चलता है अपने पास में, नंबर एक वो चलता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अपने पास में मान चलो ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में यानी यहाँ पे एक्स अक्ष, एक्स डैश, यहाँ वाई और यहाँ पे वाई डैश होता है। तो इस ग्राफ के अंदर कोई भी दो बिंदु हैं हमारे पास में, जैसे मान चलो एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे, इन दोनों बिंदुओं के हमें बीच की दूरी निकालनी है। इन दोनों बिंदुओं के हमें क्या निकालनी है, बीच की दूरी। तो अपने निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ग्राफ में अपने पास में जो दो बिंदु दे रखे हैं, उन दो बिंदुओं के हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो उसका सूत्र लगता है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर, तो सबसे पहले हम बीच की दूरी का सूत्र ले लेते हैं, जो कम से कम, ज्यादा नहीं तो 9.1 प्रश्नावली में, पूरी प्रश्नावली में बीच की दूरी का ही सूत्र चलेगा। बीच की दूरी बराबर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये अपने बीच की दूरी का सूत्र है। दोबारा से, बीच की दूरी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कितने बिंदुओं के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये सूत्र बिल्कुल कंपलसरी है याद करना, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। तो नंबर दो ले लेते हैं अब हम। देखो मैं थोड़ा सा ग्राफ में समझा दूं, ये अपने पास में ये मूल बिंदु होता है, क्या होता है, मूल बिंदु, जहां दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। अब मान चलो यहां मूल बिंदु है और इस जगह पे कोई बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। कहां से, मूल बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी, कहां से, मूल बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी बराबर, ये अंडर रूट में अपने पास में होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस क्या होता है, y स्क्वायर। तो यहां पर दोबारा देखो, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दो बिंदु कहीं भी हो सकते हैं ग्राफ में। तब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, और ये है अपने पास में फिक्स है कि मूल बिंदु से बिंदु की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो उसका सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब नंबर तीन चलता है अपने पास में, ये दोनों बीच की दूरी के हो गए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के दोनों सूत्र हैं, एक मूल बिंदु से और एक ग्राफ के अंदर दो बिंदु स्थित है उन दोनों से। अब क्या कह रहा है कि अब अपने पास में अंत विभाजन से या बाह्य विभाजन से बिंदु के निर्देशांक चाहिए, अंत विभाजन से या बाह्य विभाजन से हमें बिंदु के क्या चाहिए, निर्देशांक। तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं हम अंत
अंतःविभाजन से बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, बिंदु के निर्देशांक कहां से? अंतःविभाजन से बिंदु के निर्देशांक। तो यहां पे दो सूत्र चलते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो है x का मान ज्ञात करने के लिए। अब अपने पास में चलता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये अपना चलता है y से, अंतःविभाजन से बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये अपने अंतःविभाजन से बिंदु के क्या है? निर्देशांक ज्ञात करना है। अब नंबर चार में चलता है बाह्य विभाजन से, यहां पर ले लेते हैं बाह्य विभाजन से, बाह्य विभाजन से बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के क्या निकालने हमें? निर्देशांक ज्ञात करना। कहां से निकालने? बाह्य विभाजन से। तो सूत्र सेम डिटो यही है, पर जहां प्लस है उस जगह पे क्या करना है हमें? केवल माइनस करना है। तो x बराबर तुम ही बता सकते, तो m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। इसी तरीका से y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये अपने बाह्य विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र है। अब एक और चलता है अपने पास में पांचवा, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य माने बिल्कुल बीच में, मध्य बिंदु के हमें क्या निकालने हैं? निर्देशांक। ये दोनों अनुपात होगा तब है, और वो है बिल्कुल बीच बीच में, मध्य बिंदु की दो संख्याओं का आधा करें। अपने पास में कोई भी दो संख्या है उसका आधा करें तो दोनों संख्याओं को जोड़ के दो का भाग दे देते, उसका आधा हो जाएगा। तो ऐसे ही ये कह रहा है बिल्कुल बीच का, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो यहां पर लिखना है हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के हमें क्या निकालने? निर्देशांक ज्ञात करने। किसके निकालने? मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो साइड में जगह है, मैं यहां पर लिख देता हूं x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, और y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। y बराबर क्या है? y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। दोबारा ध्यान रखना, x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2 और y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। और दोबारा बताऊं कि x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। तो अधिकतर यही सूत्र काम आएंगे इस प्रश्नावली में, जो पूरी प्रश्नावली अपने पास में वो अधिकतर यही सूत्र काम आएंगे। एक सूत्र और है उसको बता दूंगा, पर पहले फिलहाल मैं इनको एक बार और देख लेते हैं कि बीच की दूरी निकालनी है हमें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर उसके में कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी है तो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ज्ञात करना है हमें, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब कह रहा है अगला कि अंतःविभाजन से, कहां से?
कि अंतः विभाजन से बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m1 y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे ही हमें अंतः बाह्य विभाजन के निकालने हैं, तो जहां प्लस है उस जगह पर हमें क्या करना है, माइनस का। अब कह रहा है कि दो बिंदु हैं और उनका बिल्कुल बीचा बीच का मध्य बिंदु के हमें निर्देशांक निकालने हैं, तो उसमें क्या करना है हमें, x2 प्लस x1 बटे 2 और y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2 हमें सूत्र लिखना है। तो यहां तक इन सूत्रों को आप नोट कर सकते हैं एक बार, फिर अगले सूत्र को और बताऊंगा। एक सूत्र और है, वो एक ही सवाल में काम आता है, तो उसको बता दूंगा। तो सूत्र नंबर छठवां जो चलता है वो केवल एक सवाल है पूरी प्रश्नावली में सूत्र पर, तो वो है, वैसे तुम्हारे लिए काम आएगा वो, कि हमें किसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो तब काम आता है। तो यहां पे छठवां, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार है, जिसमें निर्देशांक दे रखे हैं, किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दे रखे हैं, और इन तीनों निर्देशांकों से हमें उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं से भी ज्ञात होता है, अगर त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखी है, ठीक है ना। यहां पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्यामिति निर्देशांक से बताना है, निर्देशांक ज्यामिति से, यानी उस त्रिभुज के जो शीर्ष हैं तीनों, उनके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, तो उस शीर्षों के निर्देशांक से उस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर देखो, एक बटे दो बड़ा यहां पर एक्स, मैं लिखने का तरीका भी बताऊंगा और याद करने का तरीका भी बताऊंगा, बिल्कुल आसान। यहां पे देखो एक बार, बिल्कुल ध्यान रखना है, सूत्र लंबा है, पर याद करने का लिखने का ऐसा तरीका बताऊंगा जो एक बार भी याद हो जाएगा। एक बटे दो बड़ा, यहां पे हमने वाई माइनस वाई लिख दिया, प्लस यहां पर फिर दोबारा एक्स, यहां वाई माइनस वाई लिख दिया, प्लस x, यहां y माइनस हमने y लिख दिया, छोटा और बड़ा। अब इसमें कोई परेशानी है नहीं है अपने पास में, पर अभी ये सूत्र है नहीं है, सूत्र हमें लिखना है, अभी ये अधूरा है, इसमें जीरो नंबर मिलेगा, पर मैं एक तरीका बता रहा हूं लिखने का, लिखने का और याद करने का इतना सरल तरीका कि एक बार में याद हो जाएगा। एक बटे दो बड़ा एक्स, y माइनस y, देखो x y माइनस y, x y माइनस y, x y माइनस y, बिल्कुल एक जैसा है, पर अब यहां पर लिखना है हमें 123, कोई दिक्कत, यहां पर लिखना है 231 और यहां पर लिखना है 312, 123, 231, 312, पर सूत्र क्या है, बिल्कुल अलग बन गया, 1 बटे 2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, 123, 231 और 312, ठीक है ना, ये अपने पास दे रखा है। देखो 2 से चालू किया है और 2 पे खत्म हुआ है, 2 के संग में 3 और उसके बाद में 3 के वन में संग में 1 और 1 के संग में 2, तो इस तरीका से ये सूत्र है। तो अब तक अपने 6 सूत्र हो गए, इस सूत्र को भी एक बार नोट कर सकते हैं। अब हम इसके सूत्रों के बाद में अब हम नियम लेते हैं, तो अब हमें नियम बिल्कुल सूत्र भी याद करने और उसके बाद में नियम भी याद करने, सूत्र ही सूत्रों से काम नहीं चलेगा, अगर नियम याद नहीं है तो फिर सूत्र भी याद नहीं कर सकते, मतलब सूत्र लगा नहीं सकते सवाल के अंदर। तो अब इस आधार से अब हम नियम लिखते हैं,
तो अब पहला नियम चलता है अपना। पहला नियम है आधा सा पूरा इसमें इस ग्राफ पर आधारित प्रश्न है। ये जो बिंदु होता है ये कौन सा बिंदु होता है बताओ? मूल बिंदु। तो सबसे पहले यही से लिख लेते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो कक्षा आठवीं से सिखाते हैं इन चीजों को, दसवीं तक सिखाते रहते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक कोष्टक में 0.0 होते हैं। क्या होते हैं? 0.0 होते हैं। मतलब ये अक्ष और ये अक्ष ऊर्ध्वाधर होते हैं, समकोण पर होते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0.0 होते हैं। चलो तो ये हो गया पहला। अब दूसरा ये कह रहा है ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है और वाई अक्ष से दूरी एक्स अक्ष या भुज कहलाता है। तो इस तरीका से दे रखे है उसमें। हमें क्या करना है? तो सबसे पहले यहां पर लिखना है एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। और ऐसे हम ले लेते हैं वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है, भुज कहलाता है। तो इस तरीका से अपने पास में तीन नियम है और हम आगे बढ़े। हाँ, तो अब अपना नियम नंबर 4 चलता है कि एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का मान एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का मान x.0 होता है। x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का मान x.0 होता है। और इसी तरीका से y अक्ष पर स्थित x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का मान x.0 होता है और y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का मान 0.y होता है। यानी कि ये कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी, सबसे पहले मूल बिंदु के निर्देशांक 0.0 होते हैं, एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है और वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का मान x.0 होता है और वाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का मान 0.y होता है। तो ये बिल्कुल याद करने हैं अगर तुम्हें इस प्रश्नावली के सवालों में अच्छी तरीका से मेहनत करनी है, तो ये मेहनत का है हल करने हैं।
तो ये जब तक नियम याद नहीं होंगे, जब तक वो सवाल नहीं होंगे। और सूत्र, नियम प्लस सूत्र, ऐसे सवाल है इस प्रश्नावली में। सूत्र लगाना है, उसके बाद में नियम भी लगाना है, तब जाके पता पड़ेगा कि ये सवाल हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब इस तरीका से देखो, नंबर छह में अपने पास में दे रखा है कि मान के चलो अपने पास में तीन बिंदु दे रखे हैं अपने पास में, जैसे एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु, ये तीन बिंदु दे रखे हैं, इनके निर्देशांक दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि ये तीन बिंदु के जो निर्देशांक दे रखे हैं उनसे बताना है। अब उनसे क्या बताना है कि मान चलो किसी त्रिभुज में तीन बिंदु दे रखे हैं, यानी तीनों शीर्ष दे रखे हैं, उनसे बताना है कि समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है। तो क्या करना है, उन तीनों शीर्षों से हमें तीनों दूरी निकालनी है। अगर तीनों दूरी बराबर आ जाए तो समबाहु, अगर उसमें दो दूरी बराबर आ जाए यानी डिफरेंट आए, अलग आए, तो समद्विबाहु, और तीनों दूरी अलग अलग आए तो विषमबाहु। अब मान चलो ये तो पता पड़ गया कि तीनों भुजाओं के आधार से, अब उसमें मान के चलो कि तीनों शीर्ष दे रखे हैं और हमें पहचानना है कि समकोण त्रिभुज है या नहीं, तो उसके बारे में क्या बताना है। तो उसमें क्या करना है कि तीनों भुजा ज्ञात करके और हमें एक भुजा का वर्ग करके शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में क्या है, समकोण त्रिभुज में यानी किसी भुजा का वर्ग, किसी एक भुजा का वर्ग, किसी बड़ी एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज के शीर्ष होते हैं या समकोण त्रिभुज होता है। किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, योग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना। एक ये नियम है अपने पास में। उसके बाद में अगला है छठवां। छठवें में क्या कह रहा है कि अपने पास में तीन बिंदु दे रखे हैं, अपने पास में कितने दे रखे हैं, तीन बिंदु। अब ये देखना है कि ये संरेखीय है या संरेखीय बिंदु नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे ये तीन बिंदु दे रखे हैं अपने पास, अब ये कह रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेखीय है या संरेखीय नहीं, तो इनके बारे में हमें क्या करना है कि एक दूरी, एक इसमें तीन दूरी बनेंगी, उनमें से एक दूरी दो दूरियों के योग के बराबर हो तो ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है। एक दूरी दो दूरियों के, दो दूरियों के योग के बराबर, योग के बराबर हो तो तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है। तीनों बिंदु संरेखीय है, ठीक है ना। एक दूरी दो दूरियों के योग के बराबर हो तो वे तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है, ठीक है ना। तो ये दे रखा है अपने पास में, तो एक बार इनको नोट कर सकते हैं। मैं फिर आगे अगली और नियम लिखाने जा रहा हूं। तो 6-7 अपने जो नियम हो गए थे, तो अब उसमें आगे और बढ़ा देता हूं।
तो आगे बढ़ाने के लिए अब आठवां नियम लेते हैं कि आठवां नियम, अब हमें वर्ग आयत समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बारे में पहचानना है कि ये कैसे होते हैं। तो वर्ग की पहचान है कि अपने पास में सुनो इस तरीका से चतुर्भुज दे रखा है, इसके शीर्ष दे रखे हैं। देखो भुजान से तो हम सब जानते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, समान हो, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, समान हो, और कोण कितने का हो 90 डिग्री का, तो वो वर्ग होता है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा, इसमें शीर्ष आएंगे। तो शीर्षों से हमें क्या करना है, एक दूरी, दो दूरी, तीन दूरी, चार दूरी, चारों दूरी निकालनी है और विकर्ण निकालने, चारों दूरी निकालनी है और क्या निकालने, विकर्ण निकालने। तो अब इसके आधार से हमें फिर चतुर्भुजों की पहचान चाहिए कि चतुर्भुज किस प्रकार के, वर्ग है, कि आयत है, कि समांतर चतुर्भुज है या सम चतुर्भुज है, तो इनसे पहचानना है हमें। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, मान के चलो वर्ग ले लेते हैं। तो वर्ग में क्या करना है कि चारों दूरी बराबर, चारों दूरी बराबर और विकर्ण बराबर हो, यहां पर लिखना है चारों दूरी बराबर, शॉर्टकट में लिखा रहा हूं, चारों दूरी बराबर हो और विकर्ण बराबर हो इसके, और विकर्ण बराबर हो, तो किसकी आकृति बनती है, वर्ग की। नंबर 9, अब हम आयत ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आयत। अब आयत में आमने सामने के, आमने सामने की दूरी बराबर हो और विकर्ण क्या नहीं हो, और विकर्ण बराबर हो, मेरी बात सुनो, वर्ग है आयत, तो इसमें क्या है, आमने सामने की, आमने सामने की दूरी बराबर हो और क्या, विकर्ण बराबर हो, विकर्ण कैसे हो, बराबर। अब है नंबर 10, अब ले लेते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, इसमें चारों दूरी बराबर हो, जैसे इसमें वर्ग में, ऐसे इसमें चारों दूरी बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं, परंतु विकर्ण, विकर्ण बराबर नहीं, और ऐसे ही है 11वां, ये समान चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। इसमें आमने सामने की, आमने सामने की दूरी बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं, विकर्ण बराबर ने, ये इसका नियम है, इससे क्या पहचान होगी, समांतर चतुर्भुज की। तो ये सारी पहचान है, ये मतलब इनसे अब दूरी निकालेंगे, तो दूरी का सूत्र चाहिए भाई हमें, आमने सामने कैसे, जैसे मान चलो ये चतुर्भुज है अपने पास, ये क्या है अपने पास में चतुर्भुज है, यहां पर दे रखा है ए बी सी, इसके शीर्ष दे रखे हैं चार, ये शीर्ष दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं से ये दूरी निकालनी है, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, चारों दूरी निकालनी है। अब चारों दूरी मान चलो बराबर आ गई, अब चारों दूरी बराबर आ गई तो हम कैसे कह सके कि वो वर्ग है कि समचतुर्भुज है, ठीक है ना। तो इस तरीका से हमें पता नहीं पड़ेगी
तो हमें चारों दूरी निकालने के बाद में इसके कार्य निकालने पड़ेंगे विकर्ण। अगर चारों दूरी बराबर और विकर्ण बराबर हो तो आप वर्ग, और चारों दूरी बराबर और विकर्ण बराबर नहीं हो तो समचतुर्भुज। ऐसे ही आमने सामने की दूरी बराबर, आमने सामने की दूरी बराबर और विकर्ण बराबर तो है आयत, और विकर्ण बराबर नहीं हो तो समांतर चतुर्भुज। तो इस तरीका से इस प्रश्नावली में अब दूरी ज्ञात करनी है तो पहले सूत्र चाहिए दूरी का, और फिर अब इसकी पहचान ज्ञात करनी है तो नियम चाहिए। तो इस प्रश्नावली के अंदर नियम और सूत्र दोनों मिक्स जब तक याद होंगे तब जाके हम सवाल में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्नावली के अंदर सूत्र भी और नियम भी दोनों मिक्स याद होने चाहिए, तब जाके हम सवाल को पूरा कर पाएंगे। तो इस तरीका से अब तुमको ये बाहर दे रहा हूं आज कि इसके जो सूत्र हैं वो बिल्कुल कंप्लीट याद हो जाने चाहिए, और ये जो नियम है इसके ये भी बिल्कुल याद हो रहे हैं। अगर ये दोनों चीज अपने पास में है तो जब हम कल से सवाल स्टार्ट करेंगे इसके तो हमारे पास में बिल्कुल परेशानी नहीं रहेगी, प्रत्येक सवाल को हम बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे अपने पास में कुछ बिंदु दे रखे होंगे उसमें त्रिभुज पूछेगा कि ये समबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है या ये समकोण त्रिभुज है, या कुछ बिंदु दे रखे होंगे जिसमें ये पूछेगा ये संरेखीय है या संरेखीय बिंदु नहीं है, कुछ बिंदु दे रखे होंगे उनमें ये पूछेगा ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा इन बिंदुओं से, तो चतुर्भुज की पहचान है। तो इस तरीका से हमें इन नियम और सूत्रों से कल जो प्रश्नावली 9.1 स्टार्ट करेंगे जब ही स्टार्ट करवाऊंगा, जब तक ये सूत्र और नियम याद नहीं होंगे तो फायदा क्या है पढ़ने से। तो हमें वैसे भी प्रतिदिन डेली का काम डेली करना है, तो विशेषकर इसमें कम मैटर दे रहा हूँ बार ये लिखने और बार बार इनको याद करना। तो आज का मैटर इतना ही होता है।